से हो आप? हम बिहार से है, पर प्लाट यहीं पे है जहाँ पे इनके सबके है, सब नेवल के पास में। तो आपका कब कब तोड़ा, प्लॉट ही तोड़ दिया या घर बना हुआ? 7 तारीख को घर लेंटर तक हो चुका था, नीचे तक तोड़ दिया। आपकी भी रजिस्ट्री और वो था सब कुछ? फुल एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट था तो एग्रीमेंट वाले सारे तोड़ गए? तोड़ दिए। 7 तारीख को तोड़ा? हाँ जी। आपको भी कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं पता था। आई और आके तोड़ के चले गए? जब तक आई तब तक मेरा तो पूरा नुकसान हुआ, सारा सामान भी नुकसान हुआ है आपका? हाँ जी। कितना सामान था घर में? सामान कुछ ज़्यादा नहीं था, हम अलग कमरे ले रखी थी, वहाँ तो बना ही गई थी, थोड़ा बहुत जो दरवाजे उरवाजे जो लगा रखी थी, खिड़की खुड़की, यही सब नुकसान। आपको क्या कहते हैं अभी ये? क्या वो जो हमारे नुकसान है वो भरपाई कर दो। अभी डीसी साहब से मिले? डीसी साहब ने क्या कहा? वो फिर कल बुलाएंगे। क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से? क्या कर सकते हैं, क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि जितना मेरा नुकसान हुआ उतना भरपाई कर दो। आपने कब लिया था प्लॉट ये? 2000? मेरा तो कम से कम 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अचानक से आते हैं, ना कोई नोटिस दिया जाता है, ना कोई वेरिफिकेशन होती है, ना कॉल होती है, और अचानक से आने के बाद जो है डीडीपी के द्वारा घरों को तोड़ दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। इतनी मेहनत से एक इंसान, एक आम आदमी अपना घर बनाता है, जब उसे पता चले कि मेरे घर का नुकसान हो चुका है, मेरी जान का, मेरे माल का, सभी चीजों का नुकसान हो चुका है, तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है जिनका घर तोड़ दिया गया है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ पे आपका घर तोड़ा गया? हुकमचंद नाम है मेरा, मैं बसंत बिहार में मकान बना रहा था। कौन सी गली नंबर में? गली नंबर 20 में। अच्छा, तो अभी आपको कैसे पता चला आपका घर तोड़ दिया गया? घर में ही थे आप? वहीं पे थे। घर में ही थे, मतलब बना रहा था अभी मैं, बना रहे थे भर के, और 5 फुट तक दीवारें हो गई थी। तो अभी आए, मैंने कहा सर जी मेरे को कोई नोटिस दिया नहीं है, आप कार्रवाई करने आए हो, कोई बात नहीं मैं रोक देता हूँ, मजदूरों को मिस्त्रियों को रोक देता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं सुना तो सब तोड़ दिया। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो वो सब उसमें है, है नुकसान। ना कोई नोटिस गया, ना कोई आपको कॉल आई, कुछ नहीं आया? मैंने उनके कहा था सामने, भाई सर जी कोई नोटिस दे देते मैं, उसके बाद अगर बनाता फिर आप जो भी कार्रवाई कर लेते। अभी कोई नोटिस नहीं था? उन्होंने कोई नोटिस? आपको नहीं पता था कि अवैध कॉलोनी है, या किसी ने बताया नहीं था आपको? नहीं, बसंत बिहार तो वैसे तो कहते हैं सब अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है कह रहे हैं, हमारे को नहीं पता था इतना। कब लिया था आपने प्लॉट? ये 6 महीने पहले लिया। 6 महीने पहले रजिस्ट्री हो रहा? रजिस्ट्री इंतकाल है। तो रजिस्ट्री किसने बना दी फिर, जब अवैध कॉलोनियां बता रहे हैं अभी? रजिस्ट्री इंतकाल उसका 2003 में हुआ है जी, जिससे मैंने लिया उसका है जी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपका नहीं हुआ, आपको बस रजिस्ट्री मिली? हाँ, फुल पेमेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्री मिली। अभी क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से आप? यही अपील की है जी, डीसी साहब के पास आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आ जाओ आप, फिर जैसा भी होगा देख के करते हैं कार्रवाई जैसी। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं भाई हमारा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हो जाए, और हमारे को मकान बनाने दिया जाए भाई, अब हमारे पास कहीं मकान है ही नहीं रहने के लिए, बस यही चाहते हैं। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि एक इंसान को पूरी उम्र लग जाती है अपना घर बनाने में, उसका सारा खर्चा उठाने में, अपने बच्चों की परवरिश करने में, लेकिन जब अचानक से जो है डीडीपी की टीम आती है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वेरिफिकेशन कॉल के, किस तरीके से जो है घर को तबाह कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात इस समय सीएम सिटी करनाल से उभरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस तरह के मामले पहले भी सामने में आए थे, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है काफी गंभीर मामला इस वक्त सामने आया है, किस तरीके से इन लोगों के घरों को तबाह कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वेरिफिकेशन कॉल के, बिना किसी लीगल लिटरेसी के, कि किस तरीके से जो है लीगल तरीके से चले सभी लोग। अगर सभी लोगों के घर वहां पर हैं तो सभी के तोड़ने चाहिए, किस तरीके से 2-4 लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी नोटिस के, किस तरीके से। अगर ये सारी कॉलोनियां अवैध हैं,
अवैध जमीन है तो पहले बताया जाना चाहिए, पहले वहां पर कब्जा किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, या फिर वहां पे ऐसी बाउंड्री बनानी चाहिए जिससे कि सभी लोगों को डर भी रहे कि अवैध कॉलोनी है, इसको अगर हम अवैध जमीन है इसको हम खरीदेंगे तो कल को नुकसान हमें ही पहुंच सकता है, ताकि लोग भी सेफ रहे और प्रशासन को भी कोई नुकसान ना हो। किस तरीके से अब ये लोग इतने परेशान हैं क्योंकि घर को बनाने में काफी समय लग जाता है, काफी पैसे लग जाते हैं और काफी इंतजार भी करना पड़ता है कि अब हम यहाँ पर जो है चैन से रह सकते हैं, ये हमारी हमारी जमीन है, हमारे खुद के पैसों की जमीन है और इंसान भी सेटिस्फाइड रहता है तो प्रशासन भी सेटिस्फाइड रहे, इसलिए यहाँ पर जो है इनके लिए कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जितनी भी अवैध जमीनें हैं उनको कब्जे में लिया जा सके लिया जाना चाहिए और इनको जो है कुछ ना कुछ घरों के लिए प्रोवाइड कराना चाहिए, इनके घरों का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि दर दर की ठोकरें कोई भी इंसान सीएम सिटी करनाल के अंदर ना खाए, इसलिए इनके सहयोग के लिए आप लोगों से हमारी अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील्ड में मेरे सोनम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को शेयर करके इन लोगों का सहयोग जरूर करें क्योंकि आज ये लोग परेशान हैं, कल को आप भी हो सकते हो और इसी तरीके से यहाँ आने वाले कई पीढ़ियाँ परेशान हो सकती हैं और ये परेशानी जो है प्रशासन के सामने भी बार बार ना आए, इसलिए इस मैसेज को सभी तक जरूर पहुँचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। धन्यवाद।